एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आई ओमेगा का फॉर्मूला है। अगर मान लो कोई बॉडी ओमेगा से घूम रही है और मान लो वो बॉडी स्फेयर है, तो स्फेयर का आई क्या होता है, 2/5 mr², कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम आई की जगह पुट कर दो 2/5 mr² इंटू ओमेगा, आंसर है सही है। और अगर ये बॉडी क्या है, डिस्क है, डिस्क का आई क्या होता है, 1/2 mr², तो ठीक है तुम एल इज इक्वल टू आई ओमेगा में आई की जगह पुट कर दो 1/2 mr² इंटू ओमेगा, आपके पास आंसर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट मास। देखो ये तो आप कर ही लोगे, प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर ये एक्सिस है और ये आपका पॉइंट मास है एम, ये आपका पॉइंट मास है एम, ये लो, और ये आर है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहे, तो बोलो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर। एल का फॉर्मूला क्या होता है, आई ओमेगा, आई की जगह क्या पुट करेंगे, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी बुक्स ज्यादातर क्या करती हैं, आप ये ध्यान से सुन लो फिर लिख लेना, जब ये बॉडी सर्कल में घूम रही होगी, पॉइंट मास है, तो इसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल वेलोसिटी सर्कुलर में वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। जब तुम यहां पुट करेंगे एम आर स्क्वायर, ओमेगा की जगह वी बाय आर, आर से आर कैंसल, तो आंसर क्या आ गया, एम वी आर फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए ही लगता है, गलती से स्फेयर के लिए मत लगा देना, डिस्क पे नहीं चलेगा। एम वी आर जब जब आएगा वो सिर्फ पॉइंट मास होगा, आज से 1.5 साल तक याद रखना, क्योंकि हर जगह आएगा ये एम वी आर। तुम्हारी केमिस्ट्री में तो वो आ भी चुका है कि बोहर्स जो का मॉडल है उसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है किसी भी शेल में, उसका एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इक्वल टू NH/2π होता है ना, तो वो एम वी आर क्यों लगाते हैं समझ में आ रहा है, वो आई ओमेगा लगाना चाहते हैं पर पॉइंट मास की वजह से वो एम वी आर लगाते हैं। क्लियर है, हर जगह नहीं चलता बस पॉइंट मास पे चलता है, क्लियर है। तो और मज़े की बात ये है, प्लस टू के अंदर, प्लस टू में फिजिक्स काफ़ी ईजी है एज़ कम्पेयर टू प्लस वन, मैं हमेशा बोलता आया हूँ। अब इमेजिन कर लो प्लस टू में एक चैप्टर है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो तो आप केमिस्ट्री में कर चुके हैं, फिजिक्स में ओवरलैपिंग है, एटॉमिक स्ट्रक्चर सेम है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपका एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, शेल नंबर कौन सी, बाल्मर सीरीज, ये सीरीज, वो सब आएगी, सब और पेपर में आती है, कॉम्पिटिशन में भर भर के आती है। आइंस्टाइन की इक्वेशन, फोटोन की एनर्जी, एच न्यू इज इक्वल टू 1/2 mv² वर्क फंक्शन, सारा कॉन्सेप्ट सेम है। उसके अंदर बस फर्क ये है कि तुम्हें केमिस्ट्री में फॉर्मूले याद करवाए जाते हैं कि रेडियस का फॉर्मूला याद कर लो, एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि वो फिजिक्स का काम है हाउ टू कैलकुलेट दी फॉर्मूला, वो आए कहाँ से हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोशन उसको लेके आएगी और जिसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करके वो प्रूव किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात है सारी।